आज दुखित परिवार में शोक सभा में हम सब प्राणी उपस्थित हुआ है, चले प्रार्थना करें। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। संसार में हर एक प्राणी को ऊपर तलवार गिनने को, नीचे अंगार, पीछे काल, आगे आपका भविष्य, न जाने कब मृत्यु हो जाए किसी के नहीं मालूम। मनु महाराज जी ने कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष का है। पराशर ऋषि ने कहा कि मनुष्य की आयु 125 वर्ष का है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति इंडिया में 100-300 तक लोग जिए। लेकिन बहन जी को देखे, इन्होंने 73 ईयर जीवन रहकर भगवान को शरणागति की, जैसे मतलब और अंत्य नाड़ी, और उन्होंने अपनी योग्यता दान दी और भगवान के शरण जा ली। मेरे साथ हो जाए। हरे कृष्णा मैं हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे साल में लक्ष्य के साथ में है। वो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, वो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हम प्राणी सभी दुखित परिवार में शामिल हुआ है सुख सभा में, और चले मैं पंडित जी जो दोनों पात्र से आए हुए पंडित जैन महाराज निवेदन है कि अंतिम श्रद्धांजलि देने वाले प्रिय बंधुगण, दर्शन में ये भाग रचा है, और भाग क्या है, हमें जब जीवन मिली है इस बात को हमें निश्चित करना है, इस बात को हमें कबूल करना है कि मृत्यु निश्चित है। आज हम लोगों के मध्य से राखी के भूतपूर्व निवासी वो लोक पितामह ब्रह्मा के चरणों में चली गई हैं। सज्जनों देवियों, जीवन में संसार में कर देती है सभी के लिए, माँ की ममता कठोर होती है जीवन में, हर घर में माँ भूखी रहती है, बच्चों को कभी भूखी नहीं रखती है माँ। बच्चे कहीं घर से दूर चले जाते हैं, माँ रहती है, इंतजार करती है। बच्चे भोजन नहीं करते, माँ भोजन नहीं करती, रात को बच्चा करके भोजन देती है। लेकिन जिस दिन माँ नहीं रहती है वो दिन वो प्यार, ब्रह्म भगवान आपने ऐसा नहीं किया, और दोनों खड़े हैं, दोनों में सास रात हो रही है। भगवान कहते हैं अर्जुन, आज तुम्हें एकाएक क्या हो गया है, क्या तुम नहीं जानते संसार नाशवान है, और ये शरीर में निकलने के बाद अपने कर्म और कर्तव्य के अंतर्गत दूसरी जीवन मिल जाता है। इसलिए सज्जनों देवियों, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने महाराज अर्जुन को अनेक
प्रकार से समझाया है, पर लेटी हुई है, अपने तरफ से अपने परिवार के तरफ से फूलों का श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। चले हम लोग माँ गायत्री के चरणों में और ये ब्रह्म गायत्री से विनय करें कि माँ जिन्होंने बिंद्रा वृक्ष के नीचे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ये एक धागा जलाया है, आपके चरणों में श्रद्धा का फूल चढ़ाया, उस आंगन में अन्न धन की सरिता और गंगा बह के परम धाम को ले जाए सुबह और शाम, हे माँ गायत्री आपके चरणों में यही पूजा और प्रतिष्ठा रहे। माँ गायत्री इस आत्मा को अपने परम शरण में ले लेना, आपके चरणों में आए हैं। छोटी सी प्रार्थना, फिर अपने बर्तव को मैं समाप्त करूंगा। हम माँ गायत्री का ध्यान कर लें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आत्मा को गंगा गोदावरी गीता गायत्री का फल मिले, और जो दुखी परिवार आज बैठे हैं भगवान इन्हें धैर्य और शांति प्रदान करे। ठीक है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को,
तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे ए भीतर भीतर। जी परिवार के सामने चले हम सब मिलकर हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें कि हे परमात्मा ने कि आज बहन जी की जो शव रखी गई यहाँ पर, हम सब प्राणी दुखी परिवार का शामिल होकर उपस्थित हुआ है और मैं आचार्य ये जो स्वर्ग सभा में उपस्थित हुआ है, चले हाथ जोड़ लें भगवान से विनती करें। Yeah.
जितावा से है, तो विजय से रेटी में है, कमी की रेटू में है, बर्मा रेटू में है, और विदेशों में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और अमेरिका आदि में है। सभी परिवार को सभी परिवार किया गया है। और साथ साथ में जो हमारे जो डॉक्टर जे जानकी है चरितम से सत्य, और जो जिन्होंने प्रोटोकॉल्स और सिंपति आदि भेजा गया है, और नाम अभी आपको पढ़ श्रीमान अमित जी, आशा वर्धन जी उपस्थित चौहत्तर ग्रस्त परिवार में, ये अत्यंत दुख की विषय है कि आज हमारे मन से भारतीय देवी डॉक्टर छोड़ चुके। परंतु ये बात का सत्य है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जगदश्य ध्रुवो मृत्यु अवश्य, चाहे आज कल या कल। और इसी बात को लेकर सद्गुरु कबीर जी ने कहा है कि रहना ना ये देश गिराना, यानी कि ये देश दुनिया के कहा है, ये दूसरों का। हम यहाँ पर एक मुसाफिर बनकर आके, एक अतिथि बनकर रहते हैं, सुविध लोग में अपने अपने कार्य करते हैं, फिर बारी बारी से हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन मृत्यु वर्ष को दूसरा क्या होता है कि बहाना, मृत्यु को एक बहाना चाहिए। भगवान कभी अपना ऊपर नहीं लेता है कि मेरे कारण इसका मृत्यु हुआ है। और तीसरा, मृत्यु किसी भी स्थान पर होता है। तेरा दर्द न जाने को, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोए, पिंजरे के पंछी रे। तेरा दर्द न जाने कोए, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे। अनुप सिंह, शशि सिंह, जनेद सिंह,
Jody Sydney, Fummi and Fummi Sydney, Mohan Reddy Sydney, Radha Praveen Abbott and Family Sydney, Bhagwati Charan Simon Melbourne, Jyotika Ratnam Melbourne, Arun Kumar Sydney, Suren Mani Sydney, Pille and Family Australia, Rakesh Kumaran and Family New Zealand, Upsani and Family New Zealand, Amita Krishna New Zealand, Shekhar Nini and Family New Zealand, Atish Chandra and Family New Zealand, Ram Lingam and Family Canada, Sama Bharat Chandra Canada, Lakshmi and Family Canada, Prabhupada Chandra and Family USA and Ved Prakash Sharma, Parameshwar and Family USA, Vijay Mo and Family USA, Vijayanti Ravi and Family USA. जी नामावली की भी है और ये संपत्ति का कार्ड भी आया हुआ है। उन सदस्यों को सभी राकेश कुमार महाप्रो ने पता करेंगे जो आत्माएं ओम गुण का प्रतिनिधि के लिए गुण के प्रतिनिधि के लिए कार्ड के अंदर गुण के प्रतिनिधि के रूप में देखे हम स्थापित करते हैं और स्मरण के लिए देखते हैं कि गुण को आराध्य सदा मना भी तो हम बिना भी कदर नहीं मरे हैं ना कि कोई भी नहीं है तो भी रवि और कौन तो नहीं है अन्ना तो नहीं मंडला है कौन नहीं है बिल्कुल नहीं आए तो फिर तो पैदा भी पैदा नहीं है पर इसके बिना के बाद जब कोई भी करता नहीं तो भी यार सुनी पे शादी से बात करने साले कहीं एक बार इल्ला बन रहा है अपने परिवार की तरफ से अपने गांव की तरफ से और अपनी योग का काम भी है चले एक विशेषता के साथ होता है मेरे साथ हो जाए जबकि स्वर्गीय आत्मा श्रीमान श्रीमती पंसावी गांडर के पुत्र दामोदर गांडर एवं स्वर्गीय श्रीमान जब हमारे जीजा और जीजी के विवाह संस्कार आदि हुए थे उस समय मैं राष्ट्र में और इतनी छोटे थे उन्होंने जैसे कि हमारी जो बहन जी है जन्म से लेकर पढ़ाई तक पढ़ाई से लेकर सगाई तक सगाई से लेकर मुल्ला लेकर एक पहाड़ था वहां से लेकर उन्होंने अपनी जो गृहस्थी जीवन है उन्होंने योगता निभाई अपने पति के साथ में और बहन जी ने जैसे कि नवावली आया श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती पंजाबी उन सब परिवार को सेवा लीजिए विवाह आदि की कराई और जबकि श्रीमान श्रीमती सदा श्रीमान गार्डर उन परिवार को श्रीमान संस्कार आदि के भाग आदि दिए और श्रीमती ईशा विक्रम परिवार के साथ होकर जो शादी आदि है उन्होंने अपनी योगदान दान दी और इसी प्रकार से श्रीमान माधुर गार्डर जो परिवार है शादी में और जो अपनी योगदान दी और साथ में सरस्वती शर्मा जो विवाह संस्कार आदि हुई और साथ में अपना योगदान दी इसी प्रकार से मुल्ला पहाड़ से होकर डिग्री तीस होकर के सुबह आए और सुबह पहले समुद्र में नबुआ में उसके बाद में फिर लॉर्डशिप पर पहुंचे और अपने जो जीवन निजी जीवन है उन्होंने निभाई कई बातें गए और इस प्रकार से बड़ी सुडोल है अब आप देखें श्रीमान दामोदर गांडर जी आज इतने भाग्यशाली हैं मैं ये कहता हूँ हमारे माता जी भाग्यशाली थी उन्होंने स्वर्ग स्वर्ग जाने के हेतु अपने पति के हाथ से और स्वर्ग को गई क्योंकि उन्होंने अपनी जो सुहागिन से विवाह संस्कार आदि किए थे और सुहागिन उनको भेज दिए आज हमारे जो स्वर्ग आत्मा श्रीमान श्रीमती पंडित पुष्पचंद शर्मा उनके पुत्री भी उन्होंने अपने पति सेवा आदि की और धर्म निभाई और अपने पति के साथ होकर जिस प्रकार पति जो पत्नी पत्नी है अपने धर्म निभाकर
और पति के साथ होकर के और आज उनके पति अपने घर से लॉर्ड सिक्स क्लेयर से विदा करते हैं। एक भाग्यशाली परिवार है हमारा, जो बहन जी है भाग्यशाली है और आज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और जिस प्रकार से बहन जी ने जितने परिवार गए उनके द्वार पे आते रहे और उन्हें सेवा दी थी, जैसे कि श्रीनाथ शर्मा को और जो देवत रानी है जैसे माधवन गांडर असर गांडर और जो अभिषा मित्रानी कितने परिवार का सरस रानी सभी को उन्होंने सेवा दी थी। और जो लाडली बेटी जो विनीता माला है उनको भी अपना योग का दान दी। और जो करीबन 6:45 कैया शुक्रवार कार्य गुरुवार के दिन उन्हें भगवान के शरण में आ गई। अब आप देखें जो गुरुमुख थी, तो चले आप लोग खड़े हो जाए मेरे साथ, जितने लोग हैं खड़े हो जाए और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़ लें।
आप यहाँ के निकम सौ प्रतिष्ठा लोहिताय स्वाहा केशव्याम स्वाहा मत्स्यभ्याम स्वाहा नायभ्याम स्वाहा आसिभ्याम स्वाहा विसर्ज स्वाहा रसे स्वाहा सुचे स्वाहा लोकमनाय स्वाहा।